रद्द, इंटरव्यू पूरा निकल भी गया तो पूरी परीक्षा रद्द। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में? तो आज छात्र पढ़ना शुरू कर दिए, बोले प्रतियोगी परीक्षाओं को हम किताबों को फेंको एक तरफ और हम अब पढ़ते हैं वो तीन साल पहले का मैंडेट, वो घोषणा पत्र, वो विश्वास पत्र, जिसको लेकर के जो सत्तासीन सरकार है आज बैठी है। और उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं, छात्रों के पास मजबूरी आन पड़े, वो पढ़े तो पढ़े क्या, एसएससी के लिए पढ़ते एग्जाम रद्द हो जाता है, आप नियोजन नीति ऐसी बनाती है हाईकोर्ट में जाके फ्लॉप हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया पार्टी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में पढ़ते हैं कि युवाओं के लिए क्या था। हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे कि सरकार गठन के दो साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी उपायुक्तों की नियुक्ति की जाएगी, एक साल नहीं, दो साल नहीं, आज तीसरा साल है, नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रूपये तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रूपये का भत्ता दिया जाएगा। कहां है नौकरी, कहां है भत्ता, कहां है? हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ते हुए लाखों युवक युवतियों को पंचायत स्तर पर नियमितता के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 550 रोजगार देते हैं उनके सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बाकी कुछ नौकरियां मिली हैं निजी कंपनियों में 1-2 हजार। बाकी इतने सारे जो 5 लाख का वादा उन्होंने किया, 3 साल में महज 550, ये उनका, यही उनकी अचीवमेंट है। तो युवाओं को नौकरी मिलने के बजाय उनके हाथ में नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, उनके हाथ से नियुक्तियां निकलती चली जा रही हैं, और खाली जो वैकेंसी और सूचनाएं अखबारों में आ रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। जो सरकार अभी तक, अच्छा वो तो मसला है एसएससी के एग्जाम का, उसकी भी नियोजन नीति को आपने फ्लॉप कर दिया। जहां पर द्वितीय वर्ग के एग्जाम की बात है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां ग्रुप बी सर्विसेज की बात है, उसके एग्जाम्स को भी आप कहां कंटिन्यू करा पा रहे हैं? तो चारों तरफ से जब हताशा हो गई, जब हम सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए, तो हम 12 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं के प्रणेता है, तो जब उनकी किताब को पढ़ते हैं तो पहला जो सेंटेंस निकल के बाहर आता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक जब तक प्राप्त ना हो तब तक रुको नहीं। हमने कहा ठीक है, हमारा अब एक ही लक्ष्य है कि जब आप अपने हक से हमें वंचित करेंगे, तो हम संविधान को पढ़ने वाले, राइट टू इक्वालिटी को पढ़ने वाले, राइट टू अपॉर्चुनिटीज को पढ़ने वाले छात्र, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, राइट टू लाइफ, राइट टू एडुकेशन, 21 क्लॉजे के पढ़ने वाले छात्र अब मानने को राजी नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को बांचने वाले लोग हैं, और अब हम संवैधानिक रास्तों से, क्योंकि आप असंवैधानिक रास्ते आप अपनाते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है, संवैधानिक रास्तों के मार्फत हम विवेकानंदा से प्रेरणा लेते हुए, बिरसा की धरती पर गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, जहां ताना भगत की जमीन हमारे मंच पर, ताना भगत के वंशज इधर उनके पुरोधा बैठे हुए हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए हम मंच पर आने के लिए, हम सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।